वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी बर्थडे, तो आज तो ये गली आ गए थे। आज है 2nd सितंबर, आज है मेरी बर्थडे। बर्थडे वाली एक्साइटमेंट कुछ नहीं है अभी तक, बट स्पेशल ब्रेकफास्ट बना है। बट ये अगर ये आते हैं तो बनता है, सैकड़ा भी आते हैं तो भी बनता है, तो इसीलिए ये मेरे लिए कुछ नहीं है। आज का प्लान आप लोग पूछोगे, हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है आज का प्लान क्या होने वाला है। केक कटिंग होने वाला या नहीं वो भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सुबह से यहाँ पे बारिश के ऊपर बारिश हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे बर्थडे में बारिश हो रहा है। मेरे बर्थडे में कभी बारिश नहीं होती है, बहुत वो भी भयंकर वाला बारिश हो रही है अभी, मतलब कल रात से शुरू हुई है। तो ऐसा है, मैंने जो ड्रेस लिया था पहनने के लिए वो भी स्टिच नहीं किया है, और ऊपर से एक बात है, एग्ज़ाम भी है। 12 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, 12 बजे से 3 बजे तक मैं फुल्ली मतलब एग्ज़ाम देते रहूँगी। तो ये एग्ज़ाम की वजह से पूरा चीज़ ख़राब हो गया है मेरा। तो बहुत कुछ प्लान था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। अगर आप लोग लास्ट ब्लॉग नहीं देखे हो तो आप लोगों को देखना चाहिए, वो उस ब्लॉग में मैंने बता दिया था कि क्या प्लान था बट क्या होने वाला है। और यही है, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है, कुछ प्लान नहीं है अभी तक। सिर्फ एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा, और एग्ज़ाम देने के बाद ना 3-3:30 तब लंच करते करते हम लोगों को 3:30-4 बज जाएगा, और उसके बाद क्या पता नहीं। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे है मम्मी, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। कोनो ये ही नहीं बोलते भाई, बोले दिलाम हैप्पी बर्थडे। शादी के बाद ये मेरी फर्स्ट बर्थडे है, तो बहुत लोगों ने मतलब मैसेज भी किया था शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है, बर्थडे ब्लॉग चाहिए, क्या गिफ्ट दे रहे हैं सुतानुदा, वो भी दिखना है सब कुछ। मतलब आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बट एक्साइटमेंट वाला कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम है, बारिश हो रही है, कुछ प्लान नहीं है इसीलिए। और गिफ्ट मुझे मिल गया है, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को गिफ्ट। तो ऐसे ही मैं दिखाऊंगी ऑब्वियसली गिफ्ट। और यहाँ पे दोनों बहुत मन लगा के, ध्यान लगा के अपना एग्जाम्स दे रही है। कैसा हो रहा है एग्जाम्स? अच्छा हो रहा है। एक्चुअली मोबाइल पे क्वेश्चंस आए हैं, तो मोबाइल क्वेश्चंस देख के हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो ये भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ इसीलिए, तो ये भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ, तो इसीलिए हम दोनों एक साथ ही दे रहे हैं। तो ऑनलाइन का कुछ तो फायदा लेना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम का मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक ही साथ दे रहे हैं। और आज है बंगाली एग्जाम, कल एग्जाम हो गया है और आज है बंगाली। चलो गुड लक, थैंक यू। अभी देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही है। मम्मी जी खाना पका रही है, मछली बन रहा है यहाँ पे, और होगा चिकन फ्राइड राइस, क्योंकि आज टिया का बर्थडे है तो कुछ तो स्पेशल बनेगा। हे गाइस, तो अभी 3 भी नहीं बजा है, हम लोगों का एग्जाम हो गया है आज। एग्जाम बहुत ही इजी था और जल्दी हो गया है, अभी अपलोड करने की बारी है, तो वो कर लिए अपलोड। और मेरा हाथ में बहुत दुख रहा है, इसलिए मैं उसको बोल दिया कि आप अपलोड क्यों कर, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये स्कैन करके फिर वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर देके, तो फिर हो जाता है। और ये हार्ड कॉपीज जो है, हार्ड कॉपीज बाद में हम लोग कॉलेज में देते आएंगे। और मम्मी का खाना पकाना भी हो गया, तो मैं थोड़ा दिखाती हूँ। तो इधर का काम तो यही कर रही है, तो मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। और आप लोग शायद कोई डिफरेंस नोटिस कर रहे हो या नहीं, पता नहीं, कैमरा शेक बहुत कम हो रहा है ना हाथ में लेने के बाद भी। यहाँ पे हो गया फ्राइड राइस, ये फ्राइड राइस एंड चिकन करी मुझे बहुत पसंद है, दी को भी बहुत पसंद है। फिर इधर बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को गिफ्ट क्या मिला है। मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि सुबह से उठ के खाना खा के सिर्फ यही कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत काम भी किया है। और इधर पे देखिए कितना सारा चीज़ ऐसे हुआ है, आप लोगों को भी दिखाना है बहुत कुछ।
पूजा की शॉपिंग धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग ना मुझे एक फेवर कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए पूजा के, सॉरी कारण चला गया है तो इन्वर्टर से हो रहा है, तो पूजा कलेक्शन में आप लोग क्या देखना चाहते हो। मैं एक आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये। अगर आप लोग बोलोगे मतलब बहुत ही कम बजट में साड़ीज देखना चाहते हो, या फिर कम बजट में कुर्तीज देखना चाहते हो, या फिर टॉप्स देखना चाहते हो, या फिर ज्वेलरी देखना चाहते हो, क्लचेस देखना चाहते हो, या फिर शूज देखना चाहते हो, शूज मुझे नहीं होता है बट आप लोगों के लिए मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग ये मुझे ना थोड़ा कमेंट करके बताना, तो उसके ऊपर मैं डेफिनेटली काम करूंगी। पूजा में आप लोगों को थोड़ी बहुत भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्या चीज़ आप लोगों को देखनी है पूजा में, आप लोगों को हेल्प होगा ऑनलाइन से, क्योंकि ऑफलाइन अभी सभी लोग बाहर नहीं निकलते अभी भी थोड़ा बहुत, तो इसीलिए। और अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे केक लाने के लिए, और ये मैडम जाने वाली नहीं थी, बिल्कुल राज़ी नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती इसको राज़ी करवाया। और यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप, और बर्थडे मेरा है और केक भी मैं ही लाने जाऊँ कैसा लगता है? नहीं ठीक है, चलता है, अपने भी चलता है ऐसा। एक्चुअली वो भी बात नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरा एक सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब चल रहा है, इसलिए और सब काम चल रहा है। हाँ वही काम ही चल रहा है, बाहर जाने से थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा, माइंड फ्रेश होगा, तो ये बोल रहे हैं कि चलो तो ठीक है जाते हैं। तो आज क्या है ना, आज जो भी प्लान हम लोग पहले से बना रहे थे, जो नाइट स्टे का प्लान था वो तो कैंसिल हो गया मेरे एग्जाम की वजह से, और भी बहुत सारा कुछ आज प्लान किया था वो भी कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। और अभी मैंने नया ड्रेस नहीं पहनी है क्योंकि वो तो शाम के लिए बचा के रखना है ना, केक कटिंग करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे बाइक से, पापा के कार लेके नहीं जाएंगे, और शायद बारिश भी हो सकता है, तो नया ड्रेस मैं भिगोना नहीं चाहती, गीला नहीं करना चाहती हूँ बिल्कुल, इसलिए सोच रही हूँ कि पुराना ड्रेस पहन के जाओ, फिर बाद में आके पहन लेंगे केक कटिंग के टाइम पे। ओके, तो हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया है बाइक राइड हम लोगों ने नहीं किया, तो ये भी हो जाएगा। ए मास्क नहीं लिया मी, लिपस्टिक लगा के मैंने मास्क ही नहीं लिया, बताओ कोई बात हुआ? सो मास्क ले लिया। बेकन ग्रिल में पहुंच गए हैं, ऊपर बेकन ग्रिल का केक जो है बहुत ही टेस्टी लगता है, वो भी आलिपुर में, आलिपुर द्वार में मुझे लगता है बेस्ट, तो देखते हैं। Hey guys, so finally हम लोग वापस आ गए हैं, एक मिनट। तो पहले मैं बता देती हूँ
क्या क्या प्लान हुआ था और क्या क्या कैंसिल हुआ है। तो फर्स्ट जो प्लान था वो था कि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर जाके एक दिन के लिए नाइट स्टे करेंगे और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो वो मेरे एग्जाम के लिए कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा 2 सितंबर को भी एग्जाम है, 3 सितंबर को भी एग्जाम है, तो वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट प्लान ये हुआ था कि घर में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मतलब मायके में सेलिब्रेट करेंगे, वो भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि कल जो है मतलब फ्राइडे को मेरी मम्मी की एकादशी है और एकादशी के दिन क्या होता है, मम्मी फलाहार करते हैं, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होती है और मेरी एग्जाम होगी तो फिर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगी, रात के टाइम पे सिर्फ कर पाऊँगी तो मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगी, तो इसीलिए हम लोगों ने वो कैंसिल किया कि घर में भी प्लान कैंसिल करते हैं। फिर तीसरा जो प्लान था, तीसरा प्लान ये था कि ठीक है हम लोग 4 जन मिलकर रात में बाहर डिनर करेंगे, ये सुबह उठ के वो उन्होंने बता दिया था मम्मी को कि आज एक टाइम का ही खाना पकाइए और हम लोग बाहर जाके डिनर करेंगे, तो मम्मी राजी थी, सब कुछ था। बट सुबह से क्या हुआ ना, सुबह से हम लोग बहुत भारी चीज़ खा रहे थे और सेकेंड हम लोगों का जो लंच हुआ वो भी बहुत ही हेवी था, फ्राइड राइस एंड चिकन, तो इसलिए उसके बाद मम्मी बोल रहे हैं कि तुम दोनों चले जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों को बिल्कुल मन नहीं है खाने का क्योंकि बाहर जाके भी मटन चिकन ये से भी खाना होगा, मम्मी चिकन नहीं खाती है तो मटन ये से भी खाना होगा तो पनीर वगैरह, तो हम लोग नहीं खाएंगे, आज खाना बहुत हेवी हो गया है, मन नहीं कर रहा है, बाद में किसी एक दिन खाएंगे, तो तुम दोनों चले जाओ। तो ऐसे तो नहीं होता है ना, कैसा लगता है मम्मी पापा को छोड़ के हम दोनों अकेले डिनर करने चले जाए, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मम्मी पापा बाहर निकलते हैं, जैसे कि हम लोग अगर उस घर में रहते तो हम लोग निकल सकते थे क्योंकि सासू माँ बाहर नहीं निकलते हैं कहीं भी, बट इस घर में पॉसिबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि केक कटिंग यहीं पे होगा, बट कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि सेलिब्रेशन होने से डिनर का जो प्रिपरेशन है वो होगी और ऑब्वियसली मम्मी के ऊपर प्रेशर आ जाएगी और कल एकादशी है इसलिए नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ केक कटिंग करेंगे और हम लोगों ने थोड़ा स्नैक्स आइटम लिया है, तो यही सब सभी बहन और भाई को, हम लोगों का जॉइंट फैमिली है, सभी बहन भाई को मिलकर हम लोग केक कटिंग करेंगे, तो ये हो रहा है हम लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है और इस बार पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स भी नहीं है, बर्थडे एक्साइटमेंट उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एग्जाम है और कल भी एग्जाम है तो उसका टेंशन थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। हमने बचपन में जब बर्थडे होता था ना, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत एक्साइटमेंट होता था, मतलब बहुत दिनों से आएगा मेरा बर्थडे आएगा मेरा बर्थडे आएगा, बट जब जब हम लोग, मैं जब से बड़ी होती रही और लास्ट 2-3 सालों से उतना ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, जो भी है ठीक है, होता है होने दो, नहीं होता है नहीं होने दो, कुछ ऐसा फील होता है, बट ठीक है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और सब कुछ सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ मैं, और मतलब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम में मेरी बर्थडे बहुत अच्छे से हुआ था जब मैं लॉकडाउन के सिचुएशन में ये नहीं आ पाए थे और मम्मी ने बहुत अच्छे से किया था, बट कल अगर एकादशी नहीं होता ना तो हम लोगों के यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता, बट कल एकादशी है, मम्मी के ऊपर इतना प्रेशर हम लोग नहीं डाल सकते हैं। तो अभी 8 बज रहा है और मैं करूँगी अभी चेंज और नया ड्रेस पहनते हैं, बर्थडे आउटफिट पहनते हैं और आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ। हे गाइस, सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा दिखाने के लिए, तो मैं ये इयररिंग्स लगा लिया है, तो ये भी अमेजन से है, ये भी अमेजन से है, तो इसका हॉल ऑलरेडी मेरे चैनल में है, क्या प्राइस है क्या नहीं है आप मेरे चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सेकेंड टाइम इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और थोड़ा सा मेकअप मैंने अभी किया है क्योंकि अच्छा लग रहा था, नहीं तो बहुत टायर्ड फेस हो रहा था। और यहाँ पे है पपम, पपम को केक देखने में है, केक देखना है पपम को, सो दिस इज द केक, ये ब्लूबेरी फ्लेवर में है, मैंने चूज किया है, अच्छा लग रहा है दिखने में, सिंपल सा है इसीलिए चूज किया है।
और यहाँ पे है हेलो देखो और यहाँ पे है सब लोग। हाय बियान, बियान सैकदा और दी है यहाँ पे। मुंगली बोले और जो जहाँ पे मिल गया वो बैठ गया है वहां पे। यहाँ पे स्टिल पॉपम है, बट पॉपम का मूड थोड़ा ऑफ हो गया है क्योंकि पॉपम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। हाय पोपो, अच्छा बोलो तो पॉपम हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अभी शैतानी कर रहा है ये बच्चा, वरना कल से बोल रहा है ये कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहा है। और आप लोग सब पूछोगे कि हस्बैंड ने क्या दिया है, तो मुझे ये चाहिए था तो वही मिला है, ये हैंड हेल्ड ट्राइपॉड मेरे यूट्यूब के लिए, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे चाहिए था, और वो लाके दिया है कल ही मुझे और आज मुझे मिला है, तो इसी से मैं आज कर रही थी और कैमरा शेक बहुत कम हो रहा था, तो ये गया उनका गिफ्ट मेरे लिए। आप लोग तो कमेंट करोगे ही कि एज कितना हुआ है, तो मैं बता देती हूँ, मुझे एज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 29 प्लस हो गई हूँ इस साल, तो यही है। और अभी सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी एंजॉय करती हूँ, सो ये दिया है ये, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, मोस्ट वेलकम। क्योंकि जो जरूरत के सामान है ना, मुझे अगर कोई जरूरत के सामान देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत और अच्छा मैं लगता है। जब से इनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था उसके बाद से जितना बार
बर्थडे सेलिब्रेशन एक साथ हुआ है, हर बार मैं कोई ना कोई काम का चीज आपको दिया हूँ, ठीक है ना? जिसको जिसका आपको जरूरत है वैसे ही कुछ सामान मैंने आपको दिया। नहीं, आप ऐसे भी दिए, ऐसे भी कुछ चीज दिए थे जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे लाइक मेरा घर में जो फोटो फ्रेम है वो लाओ ना प्लीज। वो फोटो फ्रेम हम लोगों का फर्स्ट, मतलब जो है मेरी तरफ से फर्स्ट गिफ्ट है। यस, इनके तरफ से जो फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला था वो है ये, बर्थडे के दिन, बर्थडे के दिन नहीं, बर्थडे गिफ्ट ही था बट बर्थडे के कुछ दिन बाद। हाँ, वो नहीं आया था तब, कुछ रीजन से लेट हो गया था। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट, तो बहुत 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 प्रीटी है ये गिफ्ट, मुझे बहुत बहुत, मतलब मेरे बहुत दिल के पास है। ये फर्स्ट गिफ्ट है इनके तरफ से और बहुत ही खास एक गिफ्ट है, क्योंकि मेरे घर में मेरा कोई फोटो फ्रेम भी नहीं है और अच्छा लगता है। तो यही गया मेरा सिंपल सा बर्थडे व्लॉग। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, और हम लोग बहुत सिंपल तरीके से मनाते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड सबसे बड़ी बात, और थैंक यू सो मच इतना सारा कमेंट करने के लिए, इतना सारा विश करने के लिए बर्थडे के दिन में। बहुत लोग भूल गए थे बट बहुत लोग को भी याद भी था, और इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक में कर रहे हैं, यूट्यूब में कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबका रिप्लाई देने के लिए। फेसबुक एंड इंस्टा में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ आज, और यूट्यूब में थोड़ा कम, मतलब आज के दिन के लिए थोड़ा कम, और दैट्स इट। बट थैंक यू सो मच, और दैट्स इट, और क्या बताओ। ये चेंज भी कर लिया है इन्होंने इसी टाइम पे, और मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा, और पहनने के बाद भी बहुत ही, मतलब नई दुल्हन टाइप लग रही हूँ, राइट? नई वाली दुल्हन कुछ ऐसा लग रही हूँ। दीदी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और इसके साथ ना ये वाली इयररिंग जो है बहुत अच्छा जा रहा है। तो बहुत हो गया बातें, तो वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत सारा वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कौन सा टॉपिक पे आप लोगों को हॉल वीडियो चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो मैं डेफिनेटली करूँगी पूजा से पहले, कौन सा चीज़ करने से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।